नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मौसम समाचार की ताज़ा अपडेट में। यहाँ पर जानेंगे हरियाणा के मौसम समाचार की ताज़ा जानकारी। तो जी हाँ, अगर आप हरियाणा के किसी भी ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाणा के मौसम समाचार का पूर्वानुमान। तो जी हाँ, बता दें मौसम विभाग के अनुसार वहीं आज राजस्थान और हरियाणा के इन इलाकों में जोरदार बारिश की उम्मीद। भारतीय मौसम विभाग ने वहीं अगले 2 घंटे में हरियाणा, राजस्थान और इसके आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश की भविष्यवाणी की है। अगले 2 घंटों के भीतर विराटनगर, कोटपुतली, अलवर, झुंझुनू, पिलानी, राजघर, लक्ष्मणगढ़, बयाना, नारनौल, तेजारा, महेंद्रगढ़, हरियाणा और आसपास के इलाकों में 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाएं के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश दर्ज की जाएगी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार इसकी जानकारी ट्वीट करके बताई गई है। मौसम विभाग ने दूसरे ट्वीट में कहा है कि झज्जर, पावल, नूह, रेवाड़ी, भिवानी, सोहना, पलवल, होडल, मानेसर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, फरूखनगर, तेजारा, हरियाणा, बरसाना, जटारी, खैर, मथुरा, यूपी और आसपास के क्षेत्रों में अगले 2 घंटे के दौरान हवा के साथ बारिश होगी। बारिश और हल्की हवा से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। जानकारी के लिए बता दें कि केरल में इस बार मानसून का आगमन तय समय से 1 दिन पहले होगा। मौसम विभाग ने कहा कि 31 मई को केरल में मानसून छाने की संभावना है। मानसून की केरल पहुंचने की सामान्य तिथि 1 जून घोषित की गई है। तो ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है मौसम विभाग की ओर से। वीडियो में इतनी थी जानकारी। धन्यवाद।